देखो मुझे आप लोगों से कोई लालच तो है नहीं, ठीक है, मैं तो फ्री में ही आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, बस ये जो ज्ञान मुझ पे है, जो मैंने सीखा है, प्रैक्टिकल करा है, वो ही मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ दोस्तों। बाकी मुझे तो कोई ऐसा लालच है ही नहीं भाई आप मुझे कोई पैसे दे रहे हैं या जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जी नहीं, फ्री सेवा है जी। हाँ तो ठीक है, सभी भाइयों का फ़ायदा हो और उनों के कबूतरों की जान बची रहे, हेल्दी तंदुरुस्त आप लोगों के कबूतर सभी रहें दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैं अपने कबूतरों की दोस्तों देखभाल करता हूं और मेरे कबूतर 12 महीने फिट फोर रहते हैं। ये वीडियो दोस्तों आप पहले तो ध्यान से देखा करें, मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुना करें। मैं एक बात दोस्तों आपको वादे से कह सकता हूँ कि जितनी वीडियो मैं अपने चैनल पर इस पर डाल रहा हूँ ना, जैसे कि अभी पहली वीडियो डाली है डिवॉर्मिंग के ऊपर, फिर दूसरी डाली है हमने वैक्सीन के ऊपर, तीसरी डाली है हमने दाने के ऊपर, चौथी वीडियो हमने डाली है कबूतरों की परपटाई के ऊपर। तो दोस्तों हम जो आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम किस तरीके से अपने कबूतरों के साथ में ये काम करते हैं। सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल आदाब, और मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सही भाई कैसे हैं, सब बढ़िया जी। दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, और आज इस वीडियो में हम आपको जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कबूतरों को 12 महीने किस तरीके से हम तंदुरुस्त फिट फोर रख सकते हैं, किस तरीके, सही तरीके से, ताकि हमारे कबूतरों में कोई बीमारी आए नहीं, किसी तरीके का वायरस नहीं आ पाए हमारे कबूतरों में, और जो हमारे कबूतर भी हेल्दी और तंदुरुस्त रहें सारे के सारे। तो सर्दी हो या गर्मी हो, आप 12 महीने अपने कबूतरों को सही रख सकते हैं दोस्तों। तो आज इस टॉपिक पर ये वीडियो होने वाली है। तो जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई हमारे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए, तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इधर देखिए सब्सक्राइब लिखा आता है, तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर कर लें, ताकि हर एक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। और जो भाई इंस्टाग्राम चलाते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इधर देखिए इंस्टाग्राम का मेरा पेज आ रहा होगा, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है आसिफ चौधरी पिजन्स, आप सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, सेम अकाउंट है। तो ये वीडियो दोस्तों आप पहले तो ध्यान से देखा करें, मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुना करें। मैं एक बात दोस्तों आपको वादे से कह सकता हूँ कि जितनी वीडियो मैं अपने चैनल पर इस पर डाल रहा हूँ ना, जैसे कि अभी पहली वीडियो डाली है डिवॉर्मिंग के ऊपर, फिर दूसरी डाली है हमने वैक्सीन के ऊपर, तीसरी डाली है हमने दाने के ऊपर, चौथी वीडियो हमने डाली है कबूतरों की परपटाई के ऊपर। तो दोस्तों हम जो आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम किस तरीके से अपने कबूतरों के साथ में ये काम करते हैं, जो आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं दोस्तों, इन्हीं तरीके से हम अपने कबूतरों को बाजी टूर्नामेंटों में उड़ाते हैं और 12 महीने अपने कबूतरों को तंदुरुस्त रखते हैं। इन वीडियो को आप देख लेंगे ध्यान से तो दोस्तों आपकी कबूतरबाजी 99% सुधर जाएगी और काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों अपनी कबूतरबाजी में, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ने की। देखो मैं ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जिन भाइयों को कुछ नहीं पता, जो भाई पहली सीडी पर चल रहे हैं अभी, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो होती है, जिन भाइयों को पता है ऑलरेडी वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट दोस्तों ऐसे होते हैं आपके भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर भाई आप देखने में दिक्कत करते हैं, सीधा हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में दोस्तों ज़रूर शेयर करा करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो लोगों का। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, पहले तो लाइक ज़रूर कर दें भाई, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भाई लाइक कम करते हैं, लाइक करा करें, और अपने दोस्तों अपने ग्रुपों में इन वीडियो को शेयर भी जरूर करा करें। तो बात करते हैं दोस्तों अपने कबूतरों को 12 महीने किस तरीके से फिट फोर रख सकते हैं। देखो कोशिश करूँगा छोटी वीडियो बनाने की, शॉर्ट वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ी ना हो। देखो सर्दी हो या गर्मी हो, दाने की टाइमिंग क्या होती है, अगर हम गर्मी की बात कर लेते हैं, आपके जोड़े वाले कबूतर हैं, मैं अभी उड़ने वाले कबूतरों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जोड़े वाले कबूतरों की बात कर रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा उड़ने वाले कबूतर को साथ में क्या करा जाता है। गर्मी चल रही है, जोड़े वाले कबूतरों को आप चुगा रहे हैं, मैं किस तरीके चुगाता हूँ, सुबह 8 बजे लड़का मेरे कबूतरों को चुगाता है, टाइम मेरे कबूतरों का फिक्स होता है दोस्तों बिल्कुल, आप भी अपने कबूतरों का टाइम हमेशा फिक्स रखें, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मेरे कबूतर दाना खाते हैं गर्मी के अंदर, शाम को चुगते हैं कबूतर मेरे 4 बजे से शाम 6:30 बजे तक 7 बजे तक गर्मी के अंदर, साफ़ सुथरा अच्छा दाना रखते हैं कबूतरों का आगे, ट्रे में दाना रखते हैं और कबूतर अच्छी तरीके से उन दानों को खाते हैं। इस तरीके से ही आपको करना है, टाइम की अपना मैचिंग देख लेना आपको किस तरीके से टाइम मिल रहा है। देखो मेरा टाइम ये है इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। गर्मी के अंदर साफ़ सुथरा पानी अपने कबूतरों में रखें आप, ताज़ा पानी सुबह मेरे पास तो ड्रिंक कर रहे हैं तो सुबह मैं भर कर रख देता हूँ, कबूतर पी लेते हैं, फिर मैं उसको खाली हो जाता है उसको फिर भर के फिर रखवा देता हूँ, तो वो पानी शाम तक चलता है, फिर शाम को फिर ताज़ा पानी रखा जाता है, यानी कि मेरे कबूतरों में गर्मी के अंदर दिन में 3 दफ़ा पानी रखा जाता है, वो भी ताज़ा पानी, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से आप अपने कबूतरों को भी कर सकते हैं। अब आ जाती है बात सीधे सीधे सर्दी के ऊपर, सर्दी में क्या दाने पानी की टाइमिंग रहती है। सर्दी में जो मेरे कबूतर की टाइमिंग रहती है, जब मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ सर्दी में, अभी तो नहीं करवा रहा मैं, तो सर्दी में मेरे कबूतर 9 बजे खुलते हैं सुबह और 11, 11:30 बजे तक खुले रहते हैं, अपना दाना वाना चुगते हैं, हल्का फुल्का जो से हम चुगाते हैं जितना भी, आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शाम को किस तरीके चुगाते हैं, शाम को हम 3 बजे अपने कबूतर खोलते हैं और 3 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक हमारे कबूतर चुगते हैं जोड़े वाले अच्छी तरीके से। तो आप भी इन टाइमिंगों में अपने कबूतरों को ये रख सकते हैं। सर्दी में बात कर लेते हैं दोस्तों हम कबूतरों के पानी के लिए, तो सर्दी में आप दोस्तों ताज़ा पानी रखें गुनगुना करके। सर्दी में तो सुबह शाम जब कबूतर चुगा रहे हैं तो सुबह शाम आपको गुनगुना गर्म पानी ही कबूतरों को पिलाना है। वैसे पूरे दिन उनके आगे पानी नहीं रहने देना आपको, सुबह खोला आपने कबूतरों को तो सुबह ताज़ा पानी रखा गुनगुना करके, शाम को रखा पानी तो गुनगुना करके रखा। दाना अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें, मिक्स दाना चुगाएं अपने कबूतरों को। बाकी आप अपनी जेब के बजट के हिसाब से देख सकते हैं, कोई भाई निखालिस गेहूँ भी खिलाते हैं, कोई चावल खिलाते हैं, तो कोई रोटी चुगाता है, तो अपने हिसाब से आप देख लें। मैं तो आपको सीधे सीधे टाइमिंग आपको मैं बता रहा हूँ। लीवर 52 जो होती है, देखो यहाँ पर उसका फोटो शो हो जाएगा, लीवर 52 हफ्ते में एक बार अपने कबूतर में दोस्तों जरूर यूज कराएं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात चल रही हो, ठीक है। 12 महीने में एक हर हफ्ते लीवर 52 एक हफ्ते में एक बार जरूर पिलाएं, 1 लीटर पानी में एक ढक्कन। बात करते हैं कैल्शियम मल्टीविटामिन की। दोस्तों मैं तो ओस्ट्रोवेट कैल्शियम आता है, देखो इधर फोटो आ रहा होगा इसका, और विमराल, मैं इन दोनों को मिक्स करके अपने कबूतरों में पिलाता हूँ हफ्ते में एक बार या 2 दफ़ा। तो मल्टीविटामिन वगैरह कैल्शियम जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हों अपने कबूतरों में वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई परचेज आपको ऐड नहीं कर रहा कि आपको यही पिलाना है वो पिलाना है, जो आपको बेहतर लगता हो मल्टीविटामिन वगैरह कैल्शियम अपने कबूतरों में आप वो यूज़ ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। 12 महीने करें ये चीज़ को। भाई देखो गर्मी चल रही है तो आपके लोफ्ट खुले हुए होते हैं, हवा उनके अंदर आना जाना अच्छी तरीके से कर लेती है, तो भपका ना बने लोफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं सर्दी की। सर्दी में कबूतरों को अच्छी तरीके से ढक दें आप, ढकने के बाद में थोड़ी थोड़ी जगह खोल दें लोफ्ट के अंदर, ताकि थोड़ी बहुत हवा आती जाती रहे, बिल्कुल पैक नहीं करना आपको कबूतरों को। बात करते हैं कबूतरों के दाने पानी की, हो गया टाइमिंग, हो गया अच्छा दाना, हो गया बात करते हैं सफाई की। दोस्तों मेरे लोफ्ट में हर रोज़ पत्ती लगती है, पत्ती के साथ में झाड़ू लगती है, डेली लगती है दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि आज सफाई नहीं हुई कल सफाई होगी, नहीं रोज़ लगती है दोस्तों। तो आप अपने कबूतरों के हिसाब से देख लें, आप सफाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो करें, नहीं करते तो फिर हफ्ते में एक बार अपने लोफ्ट की सफाई कर दिया करें। कुछ भाइयों के लोफ्ट में बीटों के चट्टे लगे रहते हैं, सूखी सूखी बीटें काफ़ी ज़्यादा जमे होती हैं, तो सर्दी के अंदर उनको निवास मिलती है, वो ये सोचते हैं भाई लोग कि भाई सर्दी में सफाई नहीं करनी चाहिए, तो उनके कबूतरों को दोस्तों वो उस तरह की आदत हुई हुई होती है, तो अपने कबूतरों को उस चीज़ की आदत बनानी पड़ती है। हमारे कबूतरों को याद आता है, हम अपने कबूतरों की रोज़ सफाई करते हैं सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है दोस्तों। और सर्दी के अंदर एक हम गर्म पानी बताते हैं पिलाने के लिए कबूतरों को, ताकि कबूतरों का हाजमा चलता रहे। कबूतर आपने देखा होगा सर्दियों में पानी कम उठाते हैं, दाना चुगते हैं और जाकर बैठ जाते हैं, तो किसी किसी कबूतर में शिकायत आ जाती है, पोटर जाम हो जाता है, वो कबूतर मर जाता है। वो गर्म पानी की वीडियो दोस्तों मैं अगली बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें, ठीक है दोस्तों। इधर आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप अपने कबूतरों को 12 महीने फिट फॉर रख सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको अपना ये बताया है जो चीज़ें। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं होगी, अभी काफ़ी बड़ा बनेगी। अपने लोफ्ट के अंदर जब भी आप नया कबूतर लाएं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कबूतर को दोस्तों 15 दिन अलग रखना है आपको। उसको डिवॉर्मिंग करनी है पहले, उसको फिर वैक्सीन करनी है, उसको अच्छी तरीके से नीला विला के 15-20 दिन के बाद अपने कबूतरों में छोड़ना है। अगर आपके कबूतरों में अपने कबूतरों का बचाना चाहते हैं हर बीमारी से, जैसे कि लकवा, सूखा, इन बीमारियों से, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर लकवे की वायरस जो चलता है, जब लग जाता है ना भाई ये वायरस हरी बीट का, तो कबूतर जाने पे रहते हैं, फिर कबूतर बचते नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने दोस्तों के यहाँ पे आना जाना कम करें कबूतरबाजों के यहाँ पे। अगर आप गए हैं फिर वहाँ से वापसी आए हैं, तो फिर अपने कबूतरों के लोफ्ट में जब आते हैं उससे पहले नीचे ही घर में अपने हाथ पैर धोएं, कपड़े इस तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ करें पैरों को धो के, जब अपने लोफ्ट में जाएँ दोस्तों आप। और जो भाई लोग हमारा कबूतरों का शो करने आते हैं दोस्तों, देखो जब सोख करने आ जाते हैं तो मना तो करा नहीं जाता, लेकिन एक सैनिटाइज़र आप अपने पास रखें दोस्तों के हाथों पे और पैरों के जो चप्पल होते हैं चप्पल के तले पे, थोड़ा सा अपना कर दें आप सैनिटाइज़र, फिर लोफ्ट में लेके जाएं आप। और ज़्यादा कबूतरों को हाथ में ना पकड़ें, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कबूतरों को हाथ में ना पकड़ें, इससे भी कबूतर दिक्कत में आता है। और धूप, गर्मियों में धूप आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वैसे ही खूंटे गर्म होते हैं तो कबूतरों को सिकाई होती रहती है, ठीक है दोस्तों।
जोड़े वाले कबूतरों को या उड़ने वाले कबूतरों को आप सर्दी में धूप लगाएं, हफ्ते में 3 बार 4 बार जब भी अच्छी धूप निकल रही है आपको लग रहा है तो जाल में निकाल दें, जैसे जाल है पीछे जाल में निकाल दें, जाल नहीं है तो छतरी वगैरह पिंजरे होते हैं उन्होंने भर के धूप में खड़ा कर दें ताकि उनको धूप वगैरह अच्छी तरीके से लग सके। और दोस्तों कुछ भाई लोग अपने कबूतरों में के जो लोफ्ट होते हैं उन्होंने बल्ब जला कर रख देते हैं, रात को ट्यूबलाइट जलाते हैं या कोई मरकरी वगैरह लगा देते हैं जिससे कबूतरों के लोफ्ट में निवास रहती है। दोस्तों ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, कबूतर ऑटोमेटिक गर्म होता है, वो अच्छी तरीके से रहता है, ठीक है ना। अच्छा दाना डालेंगे, मिक्स दाना डालेंगे तो कबूतर के अंदर ऑटोमेटिक ताकत बनेगी, जान बनेगी। साफ़ सुथरा पानी पिलाएंगे, कबूतरों की सफाई रखेंगे तो कबूतर ऑटोमेटिक अच्छे रहते हैं आपके, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत रहती नहीं है, ज़मीन पर आपको कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं है। कभी सर्दी में कबूतर का पैर गर्म रहे या ठंडे रहे उसके लिए कुछ बिछा लें, जब रोज़ सफाई होगी तो कबूतर आपके खुद ही ठीक रहेंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होती हैं और अपने कबूतरों को हेल्दी फिट फॉर रखना होता है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों जो अपने जोड़े वाले कबूतर होते हैं, देखो दोस्तों हमारा तो सेल करने का काम है तो हम तो 12 महीने जोड़े लगे रहने देते हैं और अच्छे बच्चे तंदुरुस्त पलवा के आप लोगों को हम देते हैं। वैसे भी मैं अपने जोड़ों को अलग अलग करता हूँ दोस्तों, साल में 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैं अपने कबूतरों को ज़रूर अलग करता हूँ जिससे कि हमारे कबूतर अंदर से अपना शरीर बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे पाल पाल कर कबूतर दोस्तों बोर हो जाता है और उसकी नस्ल थोड़ी कमज़ोर निकलनी शुरू हो जाती है। फिर जब उसको हम कबूतर को ब्रेक दे के वापसी जोड़े में डालते हैं ना, जो वो बच्चे निकलते हैं उन बच्चों में ऐसा करंट होता है दोस्तों, बिल्कुल धुआंधार उड़ने वाला, ठीक है। कभी आप इस बात को नोट कर लेना, एक जोड़े से आपने 5-6 झोल बच्चे निकलवा लिए तो हर झोल में जो बच्चा निकलता आएगा उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा कम मिलेगा आपको, उड़ेगा तो वो आपको उड़ा के मतलब उड़ान तो दिखाएगा लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा आपको कम मिलेगा। जो शुरू की झोल का बच्चा होगा ना उसका रिजल्ट बिल्कुल फाइव फाँ वाला होगा, ठीक है ना। तो वो टिप्स हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। इसी तरह की वीडियो आपके सामने आएंगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी आपके सामने आएंगी, तो चैनल को फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियो को अगर आपने देख लिया दोस्तों तो आपकी कबूतरबाजी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा और आप अच्छा सोख कर पाएंगे। दाना दोस्तों, मैं दाने की बात एक बार फिर से कर देता हूँ, दाना आपको कबूतरों को उतना ही डालना जितना आपके कबूतर दाना चुगते हैं, ठीक है ना। मान लो मैं सपोज करके चल रहा हूँ मेरे कबूतर सुबह चुगते हैं 3 गिलास दाने एक लोफ्ट में, इस वाले में तो एक जो हमारा गिलास है वो 250 ग्राम का होता है। अब हमारे कबूतरों का अंदाज़ा लग जाता है भाई हम अपने कबूतरों को इतना दाना चुगा रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से गिलास बना लें और उतना ही दाना कबूतरों को चुगाएं। भाई जोड़े वाले कबूतरों में ये होता है जब दाना खत्म हो गया तो थोड़ा सा और डाल दो, कबूतर चुग रहे हैं फिर उसको चुग लिया फिर थोड़ा सा और डाल दो अगर महसूस कर रहा है भूख। बाकी टाइमिंग दाने पानी की फिक्स रखें, ट्रे में दाना डालें, कबूतरों के आगे पूरे दिन दाना पड़ा नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें जब आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो 2 बार या 3 बार में कबूतरों को दाना पूरा कराया करें। पहले 2 गिलास कबूतरों को दाना डाल दो, जो कबूतर 2 गिलास दाने को चुग लें फिर उसके बाद और दाना डालो, एक साथ भर के मत डालो उनके आगे। पता चल रहा है कबूतर बीट भी उसमें कर रहा है, उसको वो दाने को चुग भी रहा है। और पानी का बर्तन भी दोस्तों साफ़ सुथरा हो आपका, जिसमें कबूतर बीट ना कर सके, अगर बीट कर रहा है तो तुरंत पानी चेंज करें आप अपने कबूतर का। और साफ़ सफाई आपको जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और बैक्टीरिया जो हमारे लोफ्ट में आ जाते हैं बीमारी के, जो बीमारी निकलती नहीं है, तो कोर्सलिन TH का स्प्रे हम करते हैं दोस्तों, तो कोई भी बैक्टीरिया ख़त्म करने का स्प्रे आप अपने लोफ्ट में ज़रूर करें। मैं कोर्सोलिन TH यूज़ करता हूँ, इधर देखिए उसका फोटो आ रहा होगा। 1 लीटर पानी में इसका 1 ml डाला जाता है और पूरे लोफ्ट में मैं इसको छिड़काव उसका कर देता हूँ, कबूतरों के आसपास की जगह भी और कबूतरों के ऊपर भी दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कबूतरों को दोस्तों 12 महीने फिट फॉर रख सकते हैं। ताज़ा पानी रखें कबूतरों के आगे, किसी भी तरीके की आपके कबूतरों को दिक्कत नहीं होने की, ठीक है दोस्तों। अच्छा दाना रखेंगे, अच्छी तरीके से चुगाएंगे, अच्छी तरीके से शाम को उनको बंद करेंगे, और बंद करते टाइम कबूतरों के लोफ्ट में से दाने पानी की जो जिगा होती है उसको, मतलब पानी का जो ड्रिंकर है जो भी है उसको बाहर निकाल दें लोफ्ट में से, सर्दी हो या गर्मी हो। कुछ भाइयों के लोफ्ट में रात को भी पानी रखा रहता है, कबूतर पीते रहते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, तो आप रात को निकाल दें पानी और सुबह फिर उनको ताज़ा पानी रखें। अब कुछ भाई लोग गर्म पानी जो बना के देते हैं तो गर्म पानी दें यूज़ कराएं अपने कबूतरों में, जो सादा गुनगुना पानी होता है। कुछ भाई कुछ डाल के पिलाते हैं, कुछ भाई कुछ डाल के पिलाते हैं, कोई टेरामाइसिन गोली बना के डालते हैं पीस के पानी में पका के जब पिलाता है कबूतरों को। जो आप बेहतर जानते हैं वो अपने कबूतर में यूज़ करें। मुझको पता है दोस्तों आप लोग बहुत समझदार हैं, अपने कबूतरों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करते भी हैं। मेरा फ़र्ज़ ये होता है दोस्तों मैं आपको जो छोटे छोटे डाउट हैं वो आपके मैं क्लियर कर पाऊँ। दोस्तों देखो मुझे आप लोगों से कोई लालच तो है नहीं, ठीक है, मैं तो फ्री में ही आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। बस ये जो ज्ञान मुझ पर है, जो मैंने सीखा है,
प्रैक्टिकल करा है वो ही मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ दोस्तों। बाकी मुझे तो कोई ऐसा लालच है ही नहीं भाई आप मुझे कोई पैसे दे रहे हैं या जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जी नहीं, फ्री सेवा है जी हाँ। तो ठीक है, सभी भाइयों का फ़ायदा हो और उनके कबूतरों की जान बची रहे, हेल्दी तंदुरुस्त आप लोगों के कबूतर सभी रहें दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैं अपने कबूतरों की दोस्तों देखभाल करता हूँ और मेरे कबूतर 12 महीने फिट फोर रहते हैं। छोटी छोटी बीमारी दोस्तों कबूतरों में चलती रहती है, जैसे कि कबूतर की नाक से पानी आना, नज़ला हो गया, किसी कबूतर की आँख आ गई या किसी कबूतर को सूखा हो गया, ये कॉमन बीमारी होती हैं, ये छोटी छोटी ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो वायरस लगता है ना दोस्तों, जैसे लखवे का, हरी बीट का, भाई वो ख़तरनाक होता है कबूतरों के लिए, ठीक है ना। तो यही जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए आज सामने बताई हैं, इन्हीं चीज़ों से आप अपने कबूतरों को फिट फोर रख सकते हैं। बाकी कोई फालतू की मेडिसिन अपने कबूतरों में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। अगर आप ऑलरेडी जिस चीज़ को यूज़ कर चुके हैं, अच्छी तरीके से बर चुके हैं कि ये चीज़ हमारे कबूतरों को फ़ायदा दे रही है, तो दोस्तों वही चीज़ अपने कबूतरों में फ़ायदा दें कराएं आप, ठीक है ना। ये बात करी है हमने सभी जोड़े वाले कबूतरों की कि हमारे जोड़े वाले कबूतर किस तरीके से फिट फोर रहते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों उड़ने वाले कबूतरों के दाने पानी के टाइम में। उड़ने वाले कबूतरों को तो सीधे सीधे एक ही टाइम होता है, गर्मी हो या सर्दी हो, शाम को 3 बजे। भाई जो हमारे उड़ने वाले कबूतर होते हैं उनको गर्मी में 1 से 3 बजे तक दाना डाला जाता है, सर्दी के टाइम के अंदर भी उनको 1 बजे 2 बजे 3 बजे दाना डाला जाता है, शाम को एक टाइम उड़ने वाले कबूतरों को दाना एक टाइम दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो हमारे घर के बच्चे निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 कली से लेकर 3 कली तक के, तो उनको 2 टाइम दाना डाला जाता है। जब उनको माँ बापों से अलग कर देते हैं, जब उनको 2 टाइम दाना डाला जाता है, सुबह भी और शाम भी, क्योंकि बच्चा थोड़ा नाजुक होता है दोस्तों, वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर वो सूखता चला जाता है, हरी बीट करता है, वो तो बच्चा आपका मर जाता है। तो ये वो तरीके हैं दोस्तों जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कबूतरों को हेल्दी तंदुरुस्त रख सकते हैं। हेल्दी और तंदुरुस्त आपके कबूतर रहेंगे तो आपको सोक करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इन वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में आप शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो जो भी चीज़ थी मैंने आपके सामने दोस्तों क्लियर आपके सामने रख दी है। बाकी कोई चीज़ अगर भूल चूक से मुझसे रह गई होगी तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।